एक मरतब इलेक्शन के जीतने के बाद 5 साल तक कोई आया ही नहीं। जिंदा टगर है बोले तो एक नासिर उस्ताद है बस। आवाम को जो है आज के दौर में वादों की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। उनके इश्यूज जो है साल होना ये बड़ी बात है, प्रॉमिस तो कोई भी करते हैं समझे ना। अपने नासिर उस्ताद हाँ बेशक उन्होंने और उनको ही जिताना चाहिए। उन्होंने एक नए लीडर को चुन के लाइए, इंशाल्लाह आपके हर काम जो है इंशाल्लाह आपके कंप्लीट होंगे। उस आदमी को जिता के लाइए जो अपने कामों में हाथ पे हाथ रख के चलने वाला चाहिए। नासिर उस्ताद जैसे डायनेमिक लीडर की सख्त जरूरत है जो एनी टाइम हमेशा आके लोगों में आके काम करे। This video present by Raidan Multi Cuisine Restaurant, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarg. My name is Mohammad Najmuddin, Riyaza Nasir Ustad jo hai yahan pe line pe aaye hain, inshallah kafi tezaz se jo hai aap log unko kamyab kariye, ek naye leader ko chun ke laiye, inshallah aapke har kaam jo hai inshallah aapke complete honge, आपके जो भी काम बाकी हैं ये करेंगे इंशाअल्लाह और सबके सपोर्ट में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। नासिर उस्ताद साहब को इसलिए करना कि एक नए लीडर को लाना ज़रूरी है, इसलिए कि काफ़ी काम अधूरे हैं। ये 5 साल में कुछ काम हुआ नहीं है और कोई काम नहीं हुआ, ना ड्रेनेज कहीं बराबर है, ना कहीं रोड बराबर है और ना ही कहीं सड़कों की जो तब्दीली है, वन वे की तब्दीली नहीं है। वो हिसाब से इनका एक नौजवान लीडर का आना बहुत ज़रूरी है। एक मरतब इलेक्शन के जीतने के बाद 5 साल तक कोई आया ही नहीं, ना कोई गया है। जमात खाना कहाँ है किसी को नहीं मालूम, खुनियाला कहाँ है किसी को नहीं मालूम, खसा मस्जिद कहाँ है किसी को नहीं मालूम। यानी जब भी इलेक्शन आएगा साहब आएंगे सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम काम शुरू। तो बोल रहे साहब से उस आदमी को जिता के लाइए जो अपने कामों में हाथ पे हाथ रख के चलने वाला चाहिए। इंशाल्लाह नासिर उस्ताद को एक मरतबा चांस दे के देखिए, इंशाल्लाह परफेक्ट काम रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना अपने नासिर उस्ताद हाँ बेशक उन्होंने और उनको ही जिताना चाहिए। उन्होंने कैंडिडेट हैं गुलबर्ग की आवाज़, अगर मुसलमान की अगर आवाज़ उठाते हैं तो वही एक लीडर हैं खाली। मतलब जैसा बहुत से टाइगर थे, अभी एक जिंदा टाइगर हैं बोले तो एक नासिर उस्ताद हैं बस। अब गुलबर्ग के अंदर हैं बोले तो उन्होंने पूरे हाल आवाज़ उठाने वाले हर कोई गरीब की मुसलमान की आवाज़ उठाते हैं तो एक बस नासिर उस्ताद हैं। नहीं बिल्कुल पूरी उम्मीद है हमारे से उनसे, बहुत कुछ वही कर सकते हैं आगे, वो दूसरा कोई भी लीडर नहीं कर सकता। वो अगर यहाँ लीडर अगर गुलबर्गी में अगर MLA बनेंगे तो हम हमारे गाँव में सुकून से सो सकते हैं हम। हाँ वो पूरे टाइगरा में बचा है तो एक ही टाइगर है नासिर उस्ताद। उस्ताद को जो है हम प्रेफर करते हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है लीडर की जो क्वालिटीज़ होना चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर पूरी क्वालिटीज़ है, गोल्ड है, डायनामिक है, क्वालिफाइड है और जो है एक खिदमत का जज्बा है उनमें पब्लिक के क्या, और वो हर मौके पे जो है जब भी ज़रूरत पड़ती है ऐसे कोई इश्यूज उठते हैं हमारे तो वो जो है बहुत ही बोल्डली फेस करते हैं। तो ऐसे लीडर की एक सख्त ज़रूरत है जिसके अंदर एक जज्बा हो काम करने का, खिदमत के लिए, खिदमत का, आवाम का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रेफर करते हैं, फर्स्ट चॉइस है हमारी के लिए, एक हीरो है बोली सी बात। और आज के इसे जो सिचुएशन के हिसाब से मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको एक होना चाहिए और एक होकर वोट करना चाहिए। आज जो हालात हैं दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, हम कुछ फिक्र करना चाहिए और एक नासिर उस्ताद जैसे डायनेमिक लीडर की सख्त ज़रूरत है जो एनी टाइम हमेशा आके लोगों में आके काम करे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत काम करते हैं। अगर उनको इंशाल्लाह MLA बनाएंगे हम कोशिश करके एक बार चांस देने कर देंगे। इंशाल्लाह हम आवाम से गुजारिश करेंगे कि एक बार नासिर हुसैन उस्ताद को भी चांस दिया जाए और उनके वोट किया जाए। इंशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम करने वाले लीडर हैं, आज के हालात के हिसाब से एकदम जैसा लीडर चाहिए वो वैसे ही लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे को नासिर उस्ताद जैसे उस्ताद की सख्त ज़रूरत है जो हमेशा हमेशा आके मसले को है ना सॉल्व कर सकें। 5 सालों में मैडम करे हैं लेकिन एक लेडीज़ के हिसाब से जितना काम होना था उनके हिसाब से करें, जितना होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। अगर उसके बजाय अगर जेंट्स होते तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ और ज़्यादा डेवलप हो सकता है हर चीज़ में इंशाल्लाह, जो भी चीज़ है उसके लिए इंशाल्लाह जेंट्स बेहतर होता है, एनी टाइम जो है काम कर सकते हैं जेंट्स आकर। इंशाल्लाह हम तो सपोर्ट करेंगे, हम सबको यही कहेंगे कि नासिर उस्ताद का भी सपोर्ट करें और उनको एक बार चांस दिया जाए। इंशाल्लाह उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अक्सरियत में जीत आगे लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला।
अच्छे लीडर हैं नासिर उस्ताद, उनको जीता के लाई है इंशाल्लाह, जो है ना सिटी डेवलप होंगे, अच्छे काम होंगे और लोगों के जो है मसले है ना सॉल्व हो सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, गरीब इंसान है, जो भी परेशान है, जो रोज़ी के लिए, जो ठहरने के लिए परेशान है, उनके जो भी मसलों को इंशाल्लाह ताला इन सॉल्व कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आकर, जिससे भी है ना ऑफिसरों से बात करने में और एकदम जैसे लीडर की सब ज़रूरत है वैसे लीडर में इनकी इनमें खूबियाँ हैं वैसे सब। आवाम को जो है आज के दौर में वादों की ज़रूरत नहीं है, काम की ज़रूरत है। उनके इश्यूज़ जो है सॉल्व होना ये बड़ी बात है, प्रॉमिस तो कोई भी करते हैं समझे, ये प्रॉमिस करना कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर जो है इम्प्लीमेंट करना उसको, प्रॉमिस को जो है ये करना फुलफिल करना ये बहुत अहम है। एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है हमारे को इस वक्त जो हमारे जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग के लिए तो बहुत जो है सूटेबल कैंडिडेट्स हैं। एक मैसेज है पब्लिक के लिए, अवाम के लिए कि वोट एंड इलेक्ट और ब्लाउड लीडर डियर ब्लाउड लीडर और नासिर हुसैन उस्ताद। हमारे को लीडर की अच्छे लीडर की सख्त ज़रूरत है क्योंकि आए दिन पे हालात बहुत ख़राब होते रहते हैं, तो इसके लिए क्या मालूम है हमको लीडर कोई भी रन दे लेकिन अच्छा रन दे, क्योंकि नासिर उस्ताद बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कुछ कर सकते हैं हमको मालूम है, क्योंकि अब आए दिन पे कुछ ना कुछ चालू रहता है। हम जहाँ पर जाएंगे लीडर के पास वहाँ से कुछ उम्मीद लेके जाते हैं कुछ होना वहाँ से, तो नासिर उस्ताद ऐसे हैं कि वहाँ से कुछ हो सकता है, उम्मीद है कि हमारी जितने भी दोस्त अहबाब हैं रिश्तेदार हैं हम यही चाहेंगे कि उनको वोट डालें, उनको जिता के लाएँ, क्योंकि उनकी उनको जितना सख्त ज़रूरत है, क्योंकि गुलबर्ग के हालात आए दिन पे ख़राब होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें हर टेढ़े मोड़ पे उन्हें खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लीडर अच्छे हैं, क्योंकि आना ज़रूरी है उन्हें। हम जितना भी हो सके अपने तरफ से हम उनको वोट डालने की कोशिश करेंगे।